सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सरकारी मनुका को पानी में डालना, एक गिलास पानी में 10-15 मनुका डालना और सरकारी डालना। रात्रि को सोने से पूर्व उसको मनुका को चढ़ा के खाना और पीछे से वही पानी पीना। तो जिनको भी मुंह आता है बार बार तो उनकी बीमारी है, ये बिल्कुल ठीक है। और इसी मनुक्का को खाने से और एक बीमारी ठीक होती है, वो मुंह की तो नहीं है, संडास के स्थान पर यदि घाव हो जाता है, पाइंस जिसको कहते हैं, मोड़ गया जिसको आप कहते हैं, मोड़ गया बवासीर बगंदर, वो भी इसी से ठीक होता है मनुक्का। तो चोट आने का बीमारी जिस वस्तु से ठीक होता है उसी से बवासी बढ़कर जो ठीक होता, दोनों मनुक्का से ठीक होते। खाने का तरीका एक ही है, सरकारी मनुक्का को पानी में डालना, 10-15 मनुक्का, काला वाला मनुक्का हो तो अच्छा है। रात्रि को सोने से पूर्व चबा चबा के खाना, पीछे से पानी पीना जिसमें मनुक्का डालना, ये एक उपाय है। दूसरा उपाय है कि सरकारी जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीना, मुंह धोने का नहीं, पहले पानी पीना और कम से कम 3 गिलास पीना। नंतर संडास घर में जाना, पहले पानी पीना फिर संडास घर में जाना, तो भी मुंह में चोट आना बंद हो जाता है, मुंह का सारा समस्या इससे हल हो जाता है। कई लोग कहते हैं ना गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, जिनको गर्मी लगती है उनका भी ये उपाय है, उनको बोलो सुबह सोकर उठे सबसे पहले 3 गिलास पानी पिए, निरंतर संडास घर में डाले। चोट आने की जो समस्या है वो पोर्ट की जुड़ी हुई है, यदि पोर्ट आपका साफ नहीं होगा तो बार बार चोट आएगा। पोर्ट साफ होना चाहिए, उसी के लिए मनुक्का है, उसी के लिए पानी पीने का नियम, ठीक है। और एक समस्या है पिंपल्स, ये जो पिंपल्स है ना ये भी समस्या पोट की दिखाई देती है चेहरे पर, समस्या पोट की। जिनको पिंपल्स बहुत है, की मुहासे बहुत है, उनको मान लेना जान लेना चाहिए कि उनका पोट साफ है, तो उनके लिए भी यही उपाय है। क्या करना, मनुक्का खाना और सरकारी रूप से ही पानी पीना 3 गिलास, तो 3 मुहासे पिंपल्स का ठीक है। और ये पिंपल्स के लिए 3 मुहासे के लिए एक औषध और है, लगाने के लिए, खाने के लिए नहीं, पुदीने के पत्ते की चटनी रात को चेहरे पे लगा के सो, पुदीने के पत्ते की चटनी रात को चेहरे में लगा के सो, सुबह उठकर चेहरे को पानी से धोना। ठीक है, कोई प्रश्न? हाँ जी बोलिए। अभी मैं बता सकता, अभी का जो 2 उपाय बताया इसमें प्रश्न कोई है? हाँ, इनका प्रश्न है कि मुंह से बात आती है उसके लिए भी यही उपाय है। जिनको मुंह से बात आती है सुबह उठते ही 3 गिलास पानी पिए, ठंडा घर में जाएंगे, पोट साफ होगा, बात आना बंद, और रात को मनुक्का खाके सोएंगे मुंह से बात आना बिल्कुल बंद। ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना, सुबह उठते ही ठंडा पानी नहीं, मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, फ्रिज का पानी नहीं, बर्फ का पानी बिल्कुल नहीं, मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। गर्मियों में जब शियारा आएगा
तो कोमट पानी पीने, हल्का गर्म करके पानी पीने, और जब भी पाउस का समय आएगा ना बारिश का, तो ताम्र पात्र का रखा हुआ पानी पीने का। ताम्र पात्र माने तांबे के भांडे में पानी रात को रख के सुबह उठ के पीने का, निरंतर संदास में जाने का। तो मुंह से बात आना बंद होगा, चोट आना बंद होगा, मुंह घटना बंद होगा, ये होठों के नजदीक कभी क्रैक्स नहीं आएंगे, सतत लार अच्छे से बनेगी, सारा शरीर आपका फ्रेश रहेगा, पिंपल्स नहीं होंगे, नींद मुहासे नहीं होंगे, ये सब बीमारियां हैं। आंखों के नीचे डार्क सर्कल कभी नहीं आएंगे, चेहरा कभी सूखा हुआ नहीं रहेगा, बहुत फ्रेश रहेगा। कोई प्रश्न? इसके लिए दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी गार पानी मत पीजिए, ठंडा पानी। दांत को सबसे ज्यादा त्रास होता है गार पानी से, कभी भी गार पानी मत पीजिए, तो दांत खराब नहीं है। दांत को दूसरा त्रास होता है चाय और कॉफी से, बहुत त्रास होता है। चाय कॉफी बहुत गर्म है, गार पानी बहुत ठंडा है। दांत को अति ठंड और अति गर्म दोनों ही वस्तुएं हानिकारक, तो चाय कॉफी बंद करिए। फिर आप बोलेंगे क्या पीने का है, दूध पीने का, ताक पीने का, उसका रस पीने का, लेबू के शिकन की, नारियल का पानी, चाय कॉफी नहीं। चाय कॉफी भारतीय नागरिकों को पीने के योग्य नहीं, चाय कॉफी यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है, औषधि के रूप में है, हमारे लिए वो विष है, क्योंकि हमारे देश में गर्मी बहुत है और चाय कॉफी बहुत गर्म है। सबसे गर्म दुनिया में अगर कोई वस्तु है तो चाय और कॉफी, शराब से भी जाती गर्म, शराब गर्म है उससे भी जाती चाय कॉफी गर्म। तो आप गर्म देश में रहते हैं, गर्म देश में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जाती रहता है हमेशा, चाय कॉफी पियेंगे और जाती हो जाता है, और जाती ब्लड प्रेशर से मैंने बोला 78 रोग आते। ये जाती ब्लड प्रेशर का और एक रोग है जो मैं बोलना भूल गया, बवासीर भूल गया, भगंदर, फाइल्स, हेमरॉइड्स, ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद के रोग, और ये चाय कॉफी बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसलिए चाय कॉफी आप बिल्कुल मत पीजिए। चाय की जगह पीना है तो दूध पीजिए, दूध ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, और दूध जो है ना गर्म नहीं है, दूध की तासीर ठंड है, दूध शीतलता देता है शरीर, चाय कॉफी गर्म करती है। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी।